अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू रमज़ान ब्लॉग। और आज आठवां रोज़ा जो है वो ख़त्म होने लगा है, ठीक है। आठवें रोज़े की इफ्तारी है और जो है फर्स्ट अशरा जो है वो तेज़ी से गुजर रहा है। तो वेदर आज अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह अच्छा है। आज भी हवा चल रही थी, धूप इतनी तेज़ नहीं थी दिन में। और अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है जी 5:35 हो गए। और चलें चलते हैं अफ्तारी का देखते हैं और फिर अपना ब्लॉग जो है वो आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आज जो अफ्तारी में है वो है ये ब्रेड पकौड़ा बनेगा आज, आई थिंक। हाँ ऐसे ही, ये ब्रेड है और ये बेसन है और क्या है, और साथ ये समोसे ये फ्राई करने। ये चीज़ें जो है वो अम्मी ने ऑलरेडी रेडी कर ली है। अच्छा ये फ्रूट है, ये खजूर है और ये एज यूजुअल इमली की चटनी, ठीक है। अभी वो जूस बनाना है ना और वो फ्राई करना है ना। अच्छा ये दही बल्ले भी हैं, ये तो देखे ही नहीं थे हमने अभी। सॉरी, ये काले चने की चाट है या हाँ ये गर्म हो गई है, गर्म है। इसमें रखते हैं चमचा और ये रख देते हैं टेबल पे। अभी टाइम काफी है, चलिए पहले जो है ना वो हम फ्राई कर लेते हैं ब्रेड पकौड़ा। ये किया, ये पहले ब्रेड पकौड़ा फ्राई हो जाएगा फिर उसके बाद जो है वो समोसा करेंगे जी। तो ब्रेड पकौड़ा हमारा रेडी हो गया, ठीक है। आज थोड़ा सा मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट था, तो अब जो नेक्स्ट बारी है वो है समोसों की। तो अब चलते हैं समोसे फ्राई करने। समोसे हैं और ये हैं रोल, तो हम इसकी बारी आ जाएगी के बाद फिर अब होगा जूस। नहीं जी, समोसे और ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गया, तो अब बारी है जामे शिरी और लेमन स्क्वैश की। कर्शी का जामे शिरी और शिदान का लेमन स्क्वैश वंस अगेन। सो चले बनाते हैं इसको। नहीं जी, अफ्तारी हमारी रेडी हो गई, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ, तो अभी टाइम शॉर्ट है और जो है इस टाइम दुआ का टाइम हो रहा है, तो अफ्तारी से पहले का। तो उसमें यह है कि अफ्तारी का टाइम कम होता जा रहा है, सॉरी बढ़ता जा रहा है, और वहाँ से सहरी का टाइम कम होता जा रहा है। लाइक पहले जो रोज़ा था वो 6:15 तक ओपन हो गया था, सो अब आई थिंक 6:20 तक वो रोज़ा ओपन होगा। तो अभी टाइम है, अभी दुआ मांग लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं अपनी अफ्तारी की तरफ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आज जुमेरात है, तो कल जुमा है ना, तो आज आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ें, ठीक है। और जो है मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, ठीक है। तो अभी रोज़ा खुलने वाला है, आई थिंक 2 मिनट रह गए, तो चलें बैठते हैं। ये है हमारी आज की इफ्तारी, ये समोसे हैं, वो फ्रूट चाट है, दही बल्ले, जामे शिरी, और ये आज एक नई डिश ऐड हुई है ब्रेड पकौड़ा की। रमज़ान ले जी, लाहौर में रोज़ा ओपन होने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका समतु व बिका आमंतु व अलैक तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दोस्तों, इस टाइम ना लाइट गई हुई है पूरे लाहौर में, क्योंकि जो है बाहर वेदर ख़राब हुआ हुआ था, तो इस वजह से। चलो वेट करते हैं लाइट आने की, तो नमाज तो पढ़ ली है और कुरान भी पढ़ लिया, चाय भी पी ली आज। नहीं जी, ईशा की अजान हो गई, ठीक है। सो बस अभी चलते हैं आज।
वेदर खराब हो रहा था जिसकी वजह से ना लाइट चली गई थी, तो लाइट अभी आई है बिल्कुल 5 मिनट पहले। तो चलते हैं जाके वजू वगैरह करते हैं और फिर मस्जिद की तरफ चलते हैं और इशा की नमाज और तरावी के लिए। ठीक है, दरवाजा खोलते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन हवा चल रही है बाहर और बादल भी आए हुए हैं। लाल बादल आया हुआ है, तेज हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा हो गया दोबारा से। चलें चलते हैं, नमाज में लेट हो रहे। नहीं जी, 3 मिनट रह गए अभी, लेकिन उससे पहले वजू कर लें जाकर पहले। नहीं जी, तरावी पढ़ के आ गए। ठीक है, और जो है मौसम आज बहुत ही कमाल का है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हल्की हल्की सी बारिश भी हुआ था, आज हो रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा रहा। 20 तरावी पढ़ ली, नमाज भी पढ़ ली। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, और ये मेरे सारे रमज़ान के जो ब्लॉग्स हैं ये आपको मिलते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, रिक्वेस्ट है। तो और दुआओं में याद रखिएगा और रमज़ान के ये स्पेशल इबादत में। तो ये ब्लॉगिंग खत्म होता है। ओके, बाय बाय।